बगैर दूसरे कम नहीं जी aap, ये, ये पाँच लाख का काम था डीडीसी प्लान में तो मैं डीडीसी सर संदीप जी का बी साहब का हमारे ए साहब संदीप जी जय साहब दीपक जी सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा कॉपरेट और बहुत बढ़िया काम हो रहा है सब सबको मिलजुल के डेवलपमेंट में साथ देना चाहिए और वैसे भी जैसे आपको पता है कि नगरी में भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और हम भी पूरा जितना भी हो मतलब पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा थैंक यू धन्यवाद सर देखिए डॉक्टर स्लैब का जो है वो उद्घाटन किया गया तो क्या कहेंगे इसको लेकर जया भीम जय भारत आज हमने यहाँ पे जो नगरी में एनिमल हस्बेंड्री का एक हॉस्पिटल है यहाँ पे हमने आज एक जो स्लैब वर्क का काम का शुरू करा है ये पाँच लाख का काम था जिसमें ये पूरा एक सेट बना के देना था इनको लेबॉट्री के लिए उसके लिए हमारे डीडीसी प्लान में इसको हमने स्प्लिट में रखा था एक दो लाख था प्लस तीन लाख का काम था दोनों को कंबाइन करके पाँच लाख का काम था जो चार लाख साठ हज़ार में अलाट हुआ है और आज इसकी स्लैब का जो काम है वो शुरू करा करा गया है और बहुत जल्द ये जो स्लैब है और ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है ये पूरी तैयार करके जनता को समर्पित की जाएगी यहाँ के डॉक्टर्स को डिपार्टमेंट को समर्पित की जाएगी ताकि वो जो उनकी फंक्शनिंग है जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए जो लेबॉट्री की कमी या फिर यहाँ पर जो सामान वग़ैरह रखाता था उसको एक प्रॉपर वे से इस लेबॉट्री का यूज़ हो जाए और लोगों के काम ही आए आज उसी के सिलसिले में ये यहाँ पे काम इनका स्टार्ट करा गया है देखा जा रहा है कि बहुत सारे काम जो है वो लगातार डीडीसी करवा रहे हैं आगे किस तरह के काम देखने को मिलेंगे ताकि लोगों को महसूस हो गया कि डी डी जो अपनी तरफ से कार्य करा रहे हैं जब डी साहब जो लगातार मिलकर कर काम करवा रहे हैं डिपार्टमेंट से मिलकर देखिए ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है ये गठी थी इसलिए की गई है कि डेवलपमेंट के इसका नाम ही डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था और हमारी जहां तक लोगों की एक आशा रहती है उम्मीद रहती है हर एक जो नुमाइंदा चुन के आता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे लोगों के अच्छे के लिए हित के लिए काम करे और सेम उसी तरह से जो ब्लॉक के ऑफ़िसर रहते हैं यहाँ पे एसीडी होगे, डीसी हो गए डी साहब हो गए हमारे बी साहब हो गए तहसीलदार साहब हो गए ये जनता के लिए बैठे हैं और जैसा आप देख रहे हैं हमारे नगरी में जब से ये तहसीलदार साहब ये वीडियो साहब आए हैं इनसे पहले जो वीडियो थे वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड में लोगों के काम कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और अगर कहीं कोई जो डिले रहता है वो जम्मू लेवल पे रहता था हमेशा उसके लिए क्योंकि अप्रूवल काम के आने में दिक्कत रहती है तो इसीलिए हम लोग लोगों से भी अपील करते हैं थोड़ा सा संयम बनाए रखें और थोड़ा कॉपरेट करें ये जो ऑफिसर्स हैं ये आपके हित के लिए हैं आपके भले के लिए आपके फ़ायदे के लिए हैं जहाँ तक आपका काम कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आप डायरेक्टली ऑफिसर से जा बात कर सकते हैं ये पूरा आपको हेल्प आउट होगा थैंक यू और जुबा हैं देखा जा रहा है कि इस समय डीडीसी की बात की जाए एक जुबा है अगर वीडियो साहब की बात की जाए जुबा है अगर तहसीलदार साहब की बात की जाए जुबा प्रशासन की समय व्यवस्था जो पूरी जुबा है तो किस तरह की उम्मीद करते हैं जुबा होने के बाद आप भी देख रहे हो और जनता भी देख रही है आज जहाँ पे मीरपुर राम पंचायत में और जो वेटनरी का हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारे जो जिला के पार्षद हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के संदीप मंजोत्रा जी इन्होंने जहाँ पे आज एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया है उसकी स्लैब डलनी है तो उसके बाद जब स्लैब डल जाएगी ये जो विकास कार्य हैं ये जनता को समर्पित किए जाएंगे एक युवा होने के नाते आप देख सकते हो कि नगरी ब्लॉक में जिस प्रकार से इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए हम चाहे विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं चाहे किसी भी फील्ड में किसी और पार्टी में हैं मगर एक एक तरफ से अगर देखा जाए तो आ, मैं पिछले दिनों भी आपके माध्यम से जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि हमारा इलाका जो आ, मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ आ, आ, सालों से आ, कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर अभी तक पानी पीने की सुविधा प्राप्त नहीं थी तो आज जब मैंने मैं, मैं आ, आपके माध्यम से मैंने देखा जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से दे देखा कि जो युवा जहाँ के हमारे आ, जिला के कौंसिल हैं पार्षद हैं कौंसलर हैं इन्होंने हर गांव में एक जो डीप बेल होता है पैंप होता है हैंड पैंप होता है हर एक गांव में उस एक, एक जनता को समर्पित किया और इस इसी में एक इन्होंने डी बेल जो नगरी टाउन को भी दिया तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं और जनता से भी इनसे भी यही आशा करता हूं कि जे जो चौहमुखी विकास जनता को समर्पित किया जा रहा है जे ऐसे ही विकास जनता की भलाई के लिए करते रहें और ऐसे ही कार्य जहाँ पे होते रहे इसके लिए हम इनके आभारी भी हैं कि जब भी चाहे किसी भी पार्टी में बैठे हैं मगर जो हमारे ह्यूमन रिलेशन हैं वो इनके साथ हमेशा भाई की तरह हमें छोटे भाई की तरह समझते हैं या बड़े जो हमारे बड़े भाई हैं तो हम ऐसे ही इनसे आशा करते हैं और हमसे हम इनसे यही इन कहते हैं कि ऐसे ही चौमुखी विकास और जनता के प्रति जो इनका बचपन से ही प्यार है जब बचपन के लिए बचपन से ही इनका परिवार जनता से जुड़ा हुआ है जे भी बचपन से जनता से जुड़े हुए हैं ऐसे ही भविष्य में भी जो जनता से जुड़े रहे इनके इन, इनसे हम यही आशा रखते हैं छोटी सी बात पूछना चाहूंगा अर्पण जी आपने कहा कि विकास हालांकि अपने विपक्ष भी कहा है क्या लगता है कि जब विपक्ष 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 और और पक्ष की 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 बात तो बात बात आती आती है है तो तो चौतरफा चौतरफा विकास नहीं नहीं होना चाहिए बिल्कुल जब जब विकास की बात होती है उस समय विपक्ष विपक्ष की बात नहीं है हमें समाज के लिए काम करना है हमें मानवता के लिए काम करना है हमें एकजुटता के लिए काम करना है हमें राष्ट्रीयता के लिए काम करना है इसके लिए हम सबको इकट्ठे होकर मानवता का संदेश देना है जय हिंद जय भारत